ओके दोस्तों, मेरे को भी इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D के अंदर मिल चुकी है एक सीक्रेट प्लेस, जिसके अंदर आज हम चलने वाले हैं, फुल एंजॉय काटने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ही बने रहना। क्या तुम्हारी मौसी भी मारोगी? अरे यार ये क्या बोला? अच्छा मौसी नहीं, अच्छा हाँ मैं समझ गया। ओके जो तुम बता रहे हो मैं वो समझ गया। अच्छा अरे आप भी लो, आप भी भाई जस्ट अभी जाता हूँ। ओके ऑलराइट दोस्तों, तो अभी मेरे दोस्त का एक कॉल आया था भाई, यहाँ पर सब कुछ छोड़ो भाई, ये चेक करो आप लोग, मेरे पास यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मस्त मस्त कार है। एंड मुझसे अमीर को यहाँ पर है ही नहीं भाई। चेक करो फिरारी, उसमें लोगो भी लगा हुआ है भाई, चेक कर रहे हो आप लोग भाई फिरारी। ओके तो इधर एक सेकंड, हेलो कैसे हो? अरे वो बात तो सही है फ्रैंकलिन, मैं तुमको एक चीज बताना चाहता हूँ जिससे तुम एक सीक्रेट इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D की लोकेशन पर जा सकते हो, और वहां पर तुमको इतना ज्यादा मजा आने वाला है कि मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। अरे क्या बोल रहे हो भाई? स्नोमैन भाई बताओ मेरे को, बताओ मैं जाऊंगा। अच्छा तो सुनो फ्रैंकली। हाँ तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ भाई, मेरे को स्नोमैन ने इतना ज्यादा खतरनाक चीज बता दिया कि भाई अब मैं बाइक्स ड्राइविंग 3D के अंदर खेलते खेलते बोर हो चुका था। तो अब मैं चलने वाला हूँ दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज करने, और खतरनाक चीज छोड़ो भाई खतरनाक लोकेशन है यार। आज की वीडियो में हम चलने वाले एक सीक्रेट लोकेशन, और वो भी गाइस एक सीक्रेट। चलो आगे वीडियो में पता चलने वाला मैं कहाँ पे चलने वाला हूँ यार। मेरे को भी स्नोमैन ने बताया कि मेरे को सीक्रेट लोकेशन मिल सकती है। ओके बट उसके लिए भाई मैं चलूंगा वो दिक्कत नहीं है। बट गाइस जो हमारे गेम के अंदर आ चुकी है जो लोकेशन भाई, ये चेक करो भाई, हमारे गेम के अंदर एक बहुत ही ज्यादा मस्त स्मॉल सिटी आ चुकी है। ये देख सकते हो भाई काफी ज्यादा प्यारी है, आप लोग चेक करो भाई क्या ही मस्त लग रही है। यहाँ पर तो भाई सब छोटे छोटे हाउसेस है, एंड ये देखो यहाँ पर एक मेरी फ्रेंड का हाउस है, चलो यार उसको भी बुला लेता हूँ। अरे हेलो कहाँ हो? अरे यहाँ पर नहीं है क्या? अरे क्या हुआ फ्रैंकलिन, काहे मरी जा रही हो? अरे तो तुम कहाँ पे छुपकर बैठी थी यार, अभी निकली हो? वैसे मैं पूछ रहा था क्या तुम सीक्रेट लोकेशन पर चलना चाहोगी मेरे साथ? ऑलराइट दोस्तों, तो मैं अभी यहाँ से निकलने वाला हूँ भाई। पो कुकरी पता नहीं क्या ही बता रही थी भाई, मैं यहाँ से भटक गया। ये क्या भाई यार, इन सरकार की ऐसी की तैसी भाई यार, ये लोग इतना ज्यादा बड़े बड़े ब्रेकर्स बना देते हैं भाई साहब, कैसे ही पार करो भाई। मेरी जो कार है भाई आप लोग खुद ले अब बताओ इसका भरपाना कौन करेगा? अरे यार भाई मेरे को साइड से निकालना पड़ता। ओह माय गॉड यार ये लोग ब्रेकर थोड़े नीचे बनाओ। जो पता है इंडिया के लोग धीरे धीरे अमीर बन रहे हैं, लग्जरी कार सुपर कार ले रहे हैं, लेकिन नहीं ब्रेकर भी कम करनी चाहिए भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं है यार, अभी फटाफट से चलता हूँ जैसा कि मेरे को इसको स्नोमैन ने बताया वही करने। ओके सो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ यार एक महीने के बाद अपने घर वापस भाई। स्नोमैन ने तो भाई मेरी अच्छी की तैसी करा दी। एक सेकंड यार ये क्या है? अरे भाई लग रहा है गाइस हमारे घर के सामने ये कार शोरूम खुल चुका है। एक सेकंड, वैसे यार ये कार शोरूम को ओके यार ये लोग भाई ओल्ड कारें देते हैं क्या? है सेकंड हैंड इसलिए बहुत। एक सेकंड ये क्या? अरे ओ ये तो एंटीरा लग रहा है। ओ माय गॉड भाई ये तो मुकेश अंबानी सर का एंटीरा लग रहा है मेरे को। ओबे यानी कि वो मेरे घर के सामने रहने लगे। ओ माय गॉड भाई कार, ओबे ये क्या है यार। ओ माय गॉड गाइस मेरे दिल फेफड़े फट गए भाई इनको देखकर तो। ओ माय गॉड यार इतने महंगी महंगी कार है। ओ ये देखो भाई सब सुपर बाइक है भाई सब। और गाइस यार ये कार है ओ जी वैगन भाई, ओ मैं डिफेंडर तो मेरे पास ही। ओके ओ भाई जी वैगन, ओ भाई फरारी टोयोटा सुप्रा सर रुतु वाली। ओ माय गॉड तो गाइस आप लोग सिनेमैटिक देख सकते हो भाई साहब, मुकेश अंबानी सर ने मेरे घर के सामने अपना एंटीला बनवा लिया यार। मैंने कहा था ना अमीर बन रहे हैं इंडिया के लोग, तो देख सकते हो भाई उन लोगों ने मेरा हाउस मेरे हाउस के सामने एक और हाउस एंटीला बनवा दिया भाई। इतना अमीर हो गए कि भाई एक और बनवा लिया। और यहाँ पर कार अपन लोग कार गाय, ठीक है कार गाय होते हैं गाइस कौन पता है आपको? जिनको कार पसंद होती है, जो कार लवर होते हैं उनको कार गाय कहा जाता है। अरे गाइस सर व्हाट इज योर फेवरेट कार नेम? फटाक से कमेंट करो। मैं भी देखो भाई मेरी मैं बता देता हूँ सब भाई सब, ठीक है औकात अनुसार देखा जाए। ठीक है मेरे को अगर मेरे पास 10 करोड़ रुपए हो गए तो मैं ले लूंगा एक करोड़ की डिफेंडर, अगर मेरे पास 100 करोड़ हो गए तो मैं ले लूंगा एक रोल्स रॉयस, जैसा पैसा हो वैसा पसंद है मेरा। ठीक है ओके चलो दोस्तों अभी मैं चलता हूँ घर पे। वैसे तो मैंने अभी फरारी ली, आप लोग समझ सकते हो कितनी महंगी आती, कितनी महंगी नहीं आती भाई सस्ती है। ठीक है
सेकंड हैंड ली थी, आपको लगता है मेरी औकात है भाई, न्यू नहीं ले पाऊंगा कभी। ओके तो दोस्तों फाइनली मैंने घर के बाहर निकल चुका हूँ, और गाइज मैं आपको बताऊँ तो इस मोमेंट भाग चुका है यार। अरे यार सेट यार, तो उसने कहा था भाई जो बैग लाया वो वहीं पर रख दो, आपने देखा अभी मैं बैग लेकर आया था ठीक है, तो वो मैंने बैग वहीं पर रख दिया है। एड्रेस रोमेन ने लोकेशन, ओह ये भाई क्या है, आप लोग भी नहीं देख पा रहे हो क्या भाई, मैंने दिखाया आपको, देख तो और फोन में मेरे को लोकेशन मिल चुकी है, और यहाँ पर कोई मैप है भाई, इस मैप पर मेरे को लगता है चलना पड़ेगा, और उसके बाद मेरे को मिलने वाला है वो सीक्रेट लोकेशन इन इंडियन बाइक्स ड्राइविंग डे। ओके तो चलो अभी मैं डिफेंडर लेकर चलता हूँ, उसकी ब्रेकर है भाई, ब्रेकर को पार करना मुश्किल होता है। अरे ब्रेकर क्या हुआ, अरे भाई ये तो खतरा चीज है भाई, जब एसयूवी लेकर आओ तो ब्रेकर नहीं है, और सुपर कार लेकर आओ तो भाई ब्रेकर नहीं दिवाले भाई, दिवाले खड़ी कर देते। चलो कोई दिक्कत नहीं है, लगता है मेरी बात सुन ली होगी उन लोगों ने, तभी ब्रेकर ही हटा दिया, अब ब्रेकर नहीं लगे। ओके चलो कोई दिक्कत नहीं, बराबर से चलते हैं सीक्रेट लोकेशन पे। तो फाइनली काफी ज्यादा ट्रेवल करने के बाद मैं पहुंच चुका हूँ इंडियन बाइक्स ड्राइविंग थ्रीडी के उस सीक्रेट लोकेशन पर, जो की होने वाली है फेयरवेल। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर लगा हुआ एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला मेला, जिसके अंदर हम लोग घुसेंगे, एंटर करेंगे और देखेंगे भाई यहाँ पर कौन कौन से जुए एंड क्या क्या गाइस आपको ये सीक्रेट लोकेशन मिली हुई है बाइक्स ड्राइविंग थ्रीडी के अंदर। नहीं मिली, अरे नहीं मिलेगी यार, ये सिर्फ वीडियो में मिलती है ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो बराबर से, एंड जो भी लेना चाहता है ये लोकेशन तो मैं कमेंट में बता दूंगा, कैसे नहीं बताऊंगा यार, अगर आप लोग जानना चाहते हो कमेंट करना, मैं कमेंट का रिप्लाई करके बता दूंगा ये मैं कैसे लिया हूं यार। तब तक के लिए फाइनली मैंने इंडियन बाइक्स ड्राइविंग थ्रीडी के अंदर एक फाइंड कर लिए सीक्रेट प्लेस। जी हाँ दोस्तों, एंड चलो आपको पूरी एक्सप्लोर कराते हैं कि ये सीक्रेट प्लेस कैसी होने वाली है। ओके और ये इंडियन बाइक्स ड्राइविंग थ्रीडी के अंदर कहां मिलती है मैं आपको बता दूंगा। ओके मैं बता चुका हूं यार, मैं बार बार रिपीट नहीं करता कोई भी चीज। ओके ऐसा आपको लगेगा बट करता हूँ। ओके तो यहाँ पर आप लोग ये चेक करो, हमको एक यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा झूला मिल चुका है जिसके अंदर हम लोग घुस नहीं सकते भाई, अगर ये झूले को हम राइड कर सकते, ओ माय गॉड वन ऑफ बेस्ट भाई ये लोकेशन होती भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर ना भाई अलग अलग तरीके के बहुत सारे झूले लगे हुए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे, ये झूले का नाम हमारे यहाँ तो इसको ब्रेक डांस बोला जाता है, वाह ब्रेक डांस। ओके डांस को ब्रेक करने वाला ब्रेक डांस। ओके तो ये मेरे यहाँ बोला, आप क्या बोलो बता देना मेरे को। एडेस के साथ भाई सामने हमको एक खतरनाक सा मौत हाउस, नहीं मौत झूला दिख रहा है। ओके इसके अंदर आप लोग बैठ होगा तो उल्टी 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 करती लीवर खत्म हो जाएगा। ओके यहाँ पर मेरे को एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक रोलर कोस्टर, ओके रोलर कोस्टर, ओह माय गॉड यार एंजॉय में कितना अच्छा 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 झूला हो ची रोलर कोस्टर हो ची। चलो दोस्तों चल के देखती है अभी हम। ओके दोस्तों तो चौक सपाट यार काफी ही ज्यादा मस्त यहाँ पर ये रोलर कोस्टर लग रहा है, इसके अंदर घुस गया। ओ अरे यार गाड़ी आने दो गाड़ी आने दो। ओके मैं इस पे बैठ जाऊंगा। ओके आ रही है दोस्तों, मैं बैठने का ऑप्शन आ जाए नहीं होगा, हटो यार मेरे को लगा आ जाता। ओके चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर अभी बहुत और भी झूले हैं, चलो उनको भी एक्सप्लोर करते हैं भाई, ये वाला काफी ही ज्यादा खतरनाक है। वैसे मैं एक जैसा झूला झूला था भाई, वो मेटिंग होने लगी भाई, पूरा दिमाग खराब हो गया यार। चलो कोई दिक्कत नहीं, ऑल राइट दोस्तों भाई ये चेक करो भाई, झूला नहीं पेड़ ऊपर देखो, पेड़ कहाँ लगा दिया, वाह। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको साइड करो भाई, सामने झूला कितना खतरनाक है यार। ओके वो जो झूले बेकार है भाई, इसके आगे कोई झूला नहीं है। ओके एंड गाइस सर, क्या आप लोग रियल लाइफ में ये झूले झूलने चाहोगे? नहीं बिल्कुल कुल नहीं झूलने का भाई ठीक है, वरना हमें नहीं पता, आप लोग अपना समझना। ओके तो वो भी गाइस और सामने भी झूला है, बट ये तो झूल सकता हूँ, झूला भी हूँ भाई, मेरे ब्लॉग चैनल पर जाके देखना भाई, ये इसका मैंने ब्लॉग डाला था थोड़ा भाई, ये देखो भाई बहुत ही मजे से मजा आया था ठीक है। ओके तो आगे चलते दोस्तों, अगर इस पे बैठना चाहो तो बैठ सकते हो, ये काफी सेफ है ठीक है, एंड अगर वो वाले झूला जाते हो भाई वो मत झूलना, अगर आप लोग भाई देखो मैं बताता हूँ आपको, बाइक ले लूँ पहले तो दोस्तों, अभी मैंने बाइक ले ली है, तो अभी मैं बताना चाहता था, जैसे कि आप लोग ये सामने वाला झूला देख सकते हो, तो गाइस ये झूला झूलने से पहले आपको एक एग्रीमेंट पर साइन करना पड़ेगा कि अगर आपको बाय चांस कुछ हो जाता है, जैसे कि आपको अगर उल्टियां हो जाए या आप गिर पड़ो, तो भाई इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है भाई, इनका कुछ होता भी नहीं है, वैसे इंश्योरेंस होता है फिलहाल के लिए। तो गाइस यहाँ पर नया नया अतरंगी झूले आप लोग दिखा देता हूँ मैं आपको, एंड आप लोग झूलो या ना झूलो मुझसे क्या भाई, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ सिर्फ। ओके तो ये देखो गाइस यार, ये भी काफी ज्यादा मस्त, ये सेफ भी है ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस टूट जाए उसके बाद लग गया। ओके तो गाइस यार भाई इतने मस्त मस्त यहाँ पे झूले, बट हम किसी को झूल नहीं सकते यार। भाई मैं तो पहले ये डरता था कि अरे भाई ये टूट जाएगा, टूटते थोड़ी ना भाई, अगर टूटे तो भाई अपना निपटना, हम बता रहे हैं।
वैसे भाई मैं ये झूला देख रहा हूँ इतनी देर से, बस समझ नहीं आया भाई इसमें बैठते होंगे लोग करते क्या होंगे भाई, ये पूरा उल्टा पुलटा हो रहा है यार। सामने देखो भाई ये कुर्सियां वगैरह भी, अरे इसमें लगता है सीट बेल्ट लगते होंगे कम से कम 4-5, ठीक है तभी लोग रुक पाते होंगे वरना बाहर गिरेंगे निकल कर। ओके तो चलो दोस्तों, अब आप लोग मेरे को फटाफट से बताओ कि गाइस आपको ये मेला वाली लोकेशन कैसी लगी सिटी के अंदर। ओके एंड यहाँ पर भाई एक जायंट व्हील वाला भी झूला है जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, बट इनको यूज नहीं कर सके, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मेरे को फटाफट से कमेंट करो कि गाइस आपको ये सीक्रेट प्लेस इंडियन बैकस्ट्रम 3D की कैसी लगी, और अगर आपको अच्छी लगी आप लोग भी अपने गेम के अंदर ऐसा ही कुछ लेना चाहते हो तो जाओ यार कमेंट करो, यस ओके जाकर कमेंट कर दो मेरे को पता चल जाएगा। सो चलो दोस्तों हम आपसे ऐसे ही खतरनाक खतरनाक वीडियोस के साथ वापस मिलते रहेंगे, आप लोग क्या करो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी किसी खतरनाक वीडियोस के साथ वापस, तब तक के लिए बाय-बाय।